जागृत होके गाइए अच्छे से। नमो सिद्धाण, नमो सिद्धाण, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्ध प्रभु, सिद्ध प्रभु सिद्धाण, नमो सिद्ध प्रभु, सिद्ध प्रभु सिद्धाणम, नमो आयरियाण, नमो आयरियाण, नमो आयरियाण, नमो आयरिय आयरिय आयरियाण। नमो वच्छायाण, नमो वच्छायाण, नमो वच्छाय वच्छाय वच्छायाण। नमो सव साहुण, लोए सव साहुण, नमो सव साहु, सव साहु, सव साहुण। नमो गुरु मंगलो, नमो गुरु मंगलो, नमो विद्या गुरु, विद्या गुरु आज्ञा मंगलो। आदि तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की जय, श्री 2400 तीर्थंकर भगवान की जय। संत शिरोमणि अध्यात्म योगी आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। पर्वराज पर्युषण महामहोत्सव की जय। उत्तम संयम धर्म की जय। बोले आर्यिका माँ पूर्णमति माताजी की जय। बोले आर्यिका संघ की जय। सत्य के हीरे को पा लेना ही मात्र पर्याप्त नहीं है, उस अनमोल हीरे को पाने के बाद में उसे सुरक्षित करना भी बहुत ज़रूरी है। तो कौन सी तिजोरी लाओगे जिसमें सत्य के हीरे को सुरक्षित रख सकते हो? एक तिजोरी है, वो दुनिया की किसी फैक्ट्री में बनाई नहीं जाती। उस तिजोरी का नाम है संयम की तिजोरी। संयम की तिजोरी के बिना सत्य रूपी हीरे की सुरक्षा असंभव है। इसीलिए कल आपने सत्य का हीरा पाया तो उसके लिए सुरक्षित करने के लिए संयम की तिजोरी भी आज हमारे सम्मुख आ गई है। बिना संयम की पटरी के यह जीवन की गाड़ी रफ्तार से सही गंतव्य तक पहुंच ही नहीं पाती। आधा जीवन तो ऐसा ही जोड़ने जोड़ने में निकल गया। अब आधा जीवन बचा है तो उसको छोड़ने में लगा दो। 5 दिन आपने निकाल दिए, अब उतरते हुए दिन हैं, अब छोड़ते चले जाना है। संयम, तप, त्याग और वहाँ तक जाते जाते आकिंचन्य में कुछ भी शेष न रहे। न किंचन, आकिंचन, एक परमाणु मात्र मेरा नहीं है। जब ये दशा आएगी तो निज ब्रह्म में, निज आत्म तत्व में आचरण रमण होने लग जाएगा। और आचार्य देव कहते हैं, निज में रमना ही वास्तव में संयम है। परसे उपयोग को सिमटा देना, समेट लेना परसे उपयोग को। जैसे पिता कहता, बेटा चलो, हाँ इन लोगों के बीच में नहीं रहना, चलो बेटा, ऐसा कभी तो तुम्हारा उपयोग कहे, चलो चेतना, अब इस दुनिया में नहीं रहना, चलो। और उपयोग रूपी पिता ज्ञान दर्शन दोनों हाथों से इस आत्म रूपी बेटे को पकड़ करके ले जाए। अब नहीं रहना, यहाँ कुछ नहीं मिला, ना कुछ मिलने वाला है। भ्रम है, उलझने हैं, समस्या है, पीड़ा है। नहीं बेटा, नहीं नहीं, यहाँ नहीं रहना, जागृत हो जाओ, चलो बेटा निज ग्रह चलो, वहीं पर शाश्वत सुख है, शांति है। और कोरोना ने तो तुम्हें सिखा ही दिया कि अगर रोग से बचना है तो अपने अपने घर में रहो सिमट करके। वरना रोगों से घिर जाओगे। चलो अपने चेतन ग्रह में, वहां सब सुख सुविधाएं हैं तुम्हारी। क्या चाहिए? शाश्वत सुख चाहिए, वो वहीं पर ही है। कोई दुविधा नहीं है, कोई उलझने नहीं है। निज घर में रहे तो किसी प्रकार की समस्या है ही नहीं। पर आज के मन चलों को न जाने क्या हो गया है, महीना भर भी घर में नहीं रहते और बाहर घूमने की पड़ी रहती है। 6 दिन घर में भोजन नहीं करते कि 7वें दिन होटल में रखड़ने की और पेट बिगाड़ने की पड़ी रहती है। क्या हो गया रे मन तुझे? रे मन बाहर ने मत जाजे, रे मन बाहर ने मत जाजे। हे मन, बाहर मत जाना, वहां पर आज तक कुछ भी नहीं मिला। बाहर गया कि तेरा हरण हो गया। देख ले, हाँ इतना ही तो किया था सीता ने, उस रेखा का उल्लंघन किया था और रावण से हरण हो गया। बस हे चेतन, अगर तू भी मर्यादा का उल्लंघन करेगा तो कर्म रूपी रावण से हरण तेरा होता जाएगा। अनंतों बार ऐसा हुआ है। अब तो कम से कम होश में आ। संयम का अर्थ है होश पूर्वक जीना। महामुनीश्वर नगर के बाहर उद्यान में पधारे थे और सभी नगरवासी हाथ में पूजा का थाल लिए मुनिराज के चरणों में श्रीफल चढ़ाने तरह तरह के उत्तम से उत्तम द्रव्य लेकर के चले जा रहे थे। वो भवन को तज करके वन में वास करने वालों के प्रति इतना उत्साह, जो किसी को देखते नहीं है उनको देखने का इतना उत्साह, जो किसी से बोलते नहीं है उनके एक वचन पाने के लिए इतनी ललक। सच बात है, जो बहुत बोलता है उसे बोलने को मन ही नहीं करता। सच बात है ना। और जो बिल्कुल बोलते ही नहीं है उनसे बोलने को जी करता है। एक बार गुरुदेव बोल क्या दे तुम्हारे लिए, जिंदगी भर तक वो बोल याद रहते हैं कि मुझे ऐसा बोला था, वहाँ बोला था। आहा, वो क्षण तो अद्भुत था, जीवन का सबसे अच्छा क्षण था। जो कहीं आते जाते नहीं, अपनी ज्ञान गुफा में रमते हैं, अपनी चैतन्य गुफा में रमण करते हैं। वो अगर किसी के घर पे आ जाए, अहो भाग्य होता है। प्रतीक्षा करते हैं, ता जिंदगी घर बनाते हैं, ये इस उद्देश्य से, इस भाव से कि कभी तो गुरुदेव के चरण पड़ जाए। सौभाग्यशाली हैं वे जिनके घर में ऐसे महान भावलिंगी संतों के चरण पड़े हैं। जो असंयम में जीता है उसके निकट रहने की कौन तमन्ना करता है? असंयमी ही करता है। जो संयम के निकट है, जो संयम में विराजमान है, संयम के सिंहासन पर बैठे हुए हैं, ऐसे संत संसार का अंत करने वाले, उनके चरणों में जाने को मन करता है। वो हमारी तरफ एक बार निहार तो ले, सौभाग्य। उनके एक बार वचन तो मिल जाए, आशीर्वाद मिल जाए, मेरे लिए कुछ कुछ वचन खिर जाए उनके, महा सौभाग्य है हमारा। इसीलिए आचार्य देव कहते हैं कि अगर तुम भी अपने जीवन को महान, महत्वपूर्ण, गरिमामय बनाना चाहते हो तो होश में आओ, होश पूर्वक जीवन जियो। आचार्य देव संयम की परिभाषा देते हुए कहते हैं, समिति शुवर्तमान से प्राणीन्द्रिय परिहार संयम। समिति में प्रवर्तमान जो संत प्राणी संयम और इंद्रिय संयम, इन दोनों का पालन करते हैं, षटकाय जीवों की रक्षा करते हैं, वह है प्राणी संयम। और इंद्रिय संयम अर्थात 5 इंद्रियों और मन को वश में रखते हैं, वह है संयमी संत साधु। जब आपसे कहा जाता है देखो भाई तुम भी जीवों की रक्षा करो, तो आपके मन में क्या आता है कि अब मैं देख के चलूंगा कोई चींटी न मर जाए, मेरे माध्यम से कोई जीवों की हिंसा न हो जाए। क्या कभी आपके मन में ये भाव आया कि जीवों की रक्षा करने को कहा है आचार्य भगवंतों ने, तो जीव में क्या मैं नहीं आता हूं? मैं अपनी रक्षा तो करता ही नहीं, वहां तो तुम्हारी दृष्टि जाती ही नहीं है एक बार भी। जीव का मतलब अन्य जीव समझते हो, अन्य जीवों की रक्षा करना है, अपनी रक्षा तो करना ही नहीं है तुम्हें। और जो अपनी रक्षा नहीं कर पाता, जो अपने आत्म तत्व को नहीं जानता, वो औरों को आत्म तत्व कैसे मानेगा? जो अपने आप को आत्मा नहीं मानता वह दूसरों को आत्मा कैसे मानेगा? जो अपने आप को जीव नहीं मानता वो औरों को जीव कैसे मानेगा? यही तो जीव तेरी दुर्दशा हो रही है। जो अपने आप को आत्मा नहीं मानता वह मर करके ऐसी योनियों में भटकता है, वहां पर भी वह जाता है तो उसे कोई आत्मा मानता ही नहीं है। कुचल करके चल देते हैं, पृथ्वी कायिक बन गया। पृथ्वी पर चल रहे धड़ल्ले से कभी भाव नहीं आता ज्ञानी को कि मैं पृथ्वी का एक जीवों को कुचल रहा हूँ। मर रहे हैं, खदान से मिट्टी खोद रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। कितने कितने जीवों की विराधना हो रही है। जल कायिक जीवों की विराधना हो रही है और वायु कायिक जीवों की विराधना हो रही है, अग्नि कायिक जीवों की विराधना हो रही है। वनस्पति के ऊपर मजे से टहलते हैं। घास तो उगाना बहुत जरूरी है, ऐसा सोचते हैं। सेहत के लिए, आंखों की रोशनी के लिए, अपने आंखों की रोशनी के वास्ते दूसरे की जिंदगी की रोशनी को बुझा देना, ये कौन सी बुद्धिमत्ता है? तो अगर तुमने अपनी आत्मा को आत्मा नहीं माना, कि मैं आत्मा हूं ये नहीं स्वीकार किया, तो ऐसी योनियों में जाओगे कि वहां पर तुमको भी कोई आत्मा है, जीव है, ऐसा स्वीकार ही नहीं करेगा। कोई स्वीकार नहीं करेगा। भटकते रहोगे, मरते रहोगे और ऐसे ही जन्म मरण करते रहोगे। और कभी कदाचित आ भी गए माँ के गर्भ में और वहां से मनुष्य भी बन गए और ज्ञान नहीं रहा, सुध नहीं रही, जीवन विषय भोगों में बीत गया, तो क्या हासिल करोगे? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम जननी जठरे पुनरपि शयनम, यही करते रहे। आचार्य देव पुकारते हैं, चेतन बहुत देर हो गई। कितना समय निकल गया, अनादिकाल बीत गया। कई बार जीवन की शाम ढली, क्या निज ग्रह में नहीं आओगे? पुकारते हैं, समकित से कब निजे आत्म का श्रृंगार करोगे? संयम की तरणी ले कब भव जल पार करोगे? कब जल भव जल पार करोगे? सुन चेतन प्राणी जरा बात हमारी, सुन चेतन प्राणी ये बात हमारी। आचार्य देव प्यार से, दुलार करके, मधुरता से हमें समझा रहे। क्या कहते हैं? लगते हैं तुझको भोग के साधन जो सुहाने, लुटवाता है इन गलियों में आत्म के खजाने। क्या कहते हैं? लुटवाता है इन गलियों में आत्म के खजाने। कान पकड़ करके कहती माँ जिनवाणी, ऐसी गलती जीवन में, ऐसी गलती जीवन में कितनी बार करोगे? संयम की तरणी ले कब भव जल पार करोगे? भव जल पार करोगे? सुन चेतन प्राणी जरा बात मारी। कैसे समझाते हैं? लगते हैं तुझको भोग के साधन, वही सुहाने लगते हैं। धर्म के साधन अच्छे नहीं लगते हैं, घबराता है, 2 4 10 दिन करना पड़ता है। चलो भाई अब तो उतर रहे हैं, गाड़ी उतर रही है, अब तो 4 दिन और उतरना है, फिर तो घर ही घर में रहना है, खाना है, पीना है, मौज शौक करना है, तरह तरह के कपड़े पहनना है, यहाँ वहाँ की बातें करना है, इधर उधर घूमना है। अरे भगवान, आत्मा क्या ये नहीं किया तूने? अनंतों बार वही 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 तो किया है। अब की बार अनमोल क्षण मिला है, अंतर की रुचि प्रकट कर, सत्य को समझ, क्या है, आनंद का स्वरूप क्या है, सच्चे सुख का स्वरूप क्या है, इसको समझ ले। नियंत्रण कर अपनी इच्छाओं के ऊपर, अपने मन के ऊपर। संयमनम संयमः अशुभात् निवृत्ति शुभे प्रवृत्ति इति संयमः। क्या कहते हैं आचार्य भगवान, अशुभ से निवृत्ति हो और शुभ में प्रवृत्ति हो, इसी का नाम है संयम। अशुभात् निवृत्ति असुहादो विनिवृत्ति सुहे पवित्ति जान चारितम। अशुभ से निवृत्ति हो, जैसे ही आपके मन में कोई अशुभ भाव आए, बुरा विचार आए, तत्काल सोच लो नहीं, मुझे ऐसी बात नहीं करना, ऐसे दुर्विचार नहीं करना। मन में विचार आ रहे छोड़ो, मन में विचार आ गए और साथ में वचन में भी कुछ गलत कहने का भाव आ गया, तत्काल पोस्टपोन करो इसको। कोई बुरी योजना होती है पोस्टपोन करते हो ना, नहीं नहीं अच्छा नहीं लगेगा, इसको अभी नहीं करना, इसको पोस्टपोन करो, अब स्थगित कर दो इस बात को। गलत काया से चेष्टा करने का भाव आ रहा है, नहीं नहीं करना है, क्योंकि इसका फल बुरा ही मिलेगा। दोपहर में आइएगा, आज बहुत छटा छटाया अध्याय, गजब का अध्याय है, पूरी जिंदगी को संवारने वाला अध्याय है। आचार्य श्री कहते हैं जिसने छठा अध्याय श्रवण कर लिया, समझ लिया, उसका सारा जीवन ही बदल जाएगा, अपने आप ही बदल देगा, जीवन की प्रवृत्ति बदल जाएगी उसकी। हमारे चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान शांति सागर जी महाराज अंतिम प्रवचन में कह गए थे, भीयू नका संयम धारण करा, डरो मत, संयम को धारण करो। बिना संयम के जीवन का कोई औचित्य ही नहीं है। जैसे गाड़ी खूब अच्छी खरीदी, कितने की है, 1 करोड़ की है, अच्छा बहुत अच्छी गाड़ी है, लेकिन इसके अंदर बस एक ही कमी है, ब्रेक नहीं है। क्या काम की वो गाड़ी, कुछ काम की नहीं है। बहुत अच्छा फ्लाइट अपना खुद का ही है, प्लेन अपना खुद का लिया है, लेकिन पायलट जो है ना वो काम का नहीं है। हाँ तो क्या काम का, वह कभी भी गिरा देगा और हड्डी भी नहीं मिलने वाली। नट होता है ना, नट जो अपनी नृत्य कला को दर्शाता है, और एक पतले से तार पर भी चलता है। कैसे चलता है, बिना बैलेंस के चलता है क्या, नहीं, बैलेंस चाहिए, गाड़ी में ब्रेक चाहिए, प्लेन में भी पायलट चाहिए। चिड़िया जब उड़ती है, उड़ान भरती है, कितना संतुलन बना करके उड़ती है, वहाँ दोनों पंखों में संतुलन होता है, दूर गगन विराट आकाश की यात्रा कर लेती है। हर जगह संतुलन जरूरी है। घर में माता पिता इन दोनों के माध्यम से घर में संतुलन बना रहता है, तो समाज में जवान और वृद्ध इन दोनों के बीच में संतुलन बना रहता है। वृद्ध लोग अपना अनुभव बताते हैं और जो जवान लोग कार्य करते हैं उनके उत्साह की प्रशंसा करते हैं, और प्रशंसा सुन करके जवान लोग आगे बढ़ते चले जाते हैं। समाज दिन दुनी रात चौगुनी वृद्धि करता रहता है। अगर वृद्ध कहे कि हम ही करेंगे तो वो समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकता, और जवान लोग कहे कि हम वृद्धों की का तिरस्कार करेंगे तो भी वह समाज आगे नहीं बढ़ सकता। मकान बहुत अच्छा बना रहे हैं, ये डिजाइन है मकान की, बहुत अच्छी बात है। व्यक्ति ने मकान बनाना शुरू किया, लेकिन बार बार टूटे, बार बार ढह जाए। उसके मित्र ने कहा, भाई कैसा मकान बना रहा है। अरे क्या करूं बताऊं, क्या बताऊं, कोई ना कोई तो यहाँ पर भूत प्रेत का डेरा है, हाँ ये बनने ही नहीं दे रहा है। उसने पूछा किससे बनवा रहा है, कोई इंजीनियर है। अरे क्या जरूरत है इंजीनियर की, जिसे मुझे बनाना वैसे मैं बनवा दूंगा। अच्छा तो नींव कितनी गहरी है तेरे मकान की। अरे पागल हो गया है क्या, नींव की क्या जरूरत है, फालतू उसमें पैसा डालो, जितना डालूंगा पैसा सब ऊपर में डालूंगा। बिना नींव के, बिना बुनियाद के महल नहीं बन सकता, कमरा भी बनेगा वो ढह जाएगा। बिना नींव के कार्य नहीं हो सकता मकान का। बस आचार्य भगवान यही कहते हैं कि उत्तम शब्द जो दसों धर्म के आगे लगा है वो यही बता रहा है, नींव का काम करने वाला सम्यक दर्शन है। बिना सम्यक दर्शन के अगर तुमने छुटपुट त्याग भी किए हैं तो आचार्य देव कहते वह उत्तम संयम में नहीं माने जाएंगे। और सम्यक दर्शन पूर्वक अगर आपने रात्रि भोजन आदि का त्याग किया है तो वह संयम तो नहीं है लेकिन सम्यक्त्वाचरण जरूर है, सदाचरण है। अगर संयमाचरण का पालन करना है तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के साथ में सम्यक चारित्र को अंगीकार करो। बिना सम्यक्त्व के उत्तम शब्द नहीं लगाया जा सकता। वह उत्तम संयम है जो सम्यक दर्शन के साथ में धारण किया जाता है। और आचार्य श्री जी ने प्रवचन में के दरमियान बताया था कि संयम मार्गणा में कभी भी मरण नहीं होता। संयम मार्गणा में कभी मरण नहीं होता क्योंकि मरण के गुणस्थान होते हैं पहला, दूसरा, चौथा। 13वां होता है वह समुद्घात की अपेक्षा से होता है। इस प्रकार से पहला, दूसरा और चौथा गुणस्थान मरण की अपेक्षा से, ये 3 गुणस्थान हैं। तो यहाँ पर असंयम ही रहता है, संयम नहीं होता। संयम के लिए कोई तो आपको ऐसा कोई निमित्त मिले, अपने भीतर से उत्साह जागृत हो, अंतर से रुचि उत्पन्न हो और अपने आत्मा को किस तरह से उत्थान के मार्ग पर ले जाना, अपनी खुद की चिंता करोगे तो संयम को धारण अवश्य करोगे। जो नहीं कर पाता है, शरीर रुग्ण है, उसको छटापटी लगी रहती है, लेकिन जिसके सारे सुविधाएं हैं, शरीर स्वस्थ है, सारी अनुकूलताएं हैं, फिर भी वह खाने का लोलुपी होने के कारण से अपनी इच्छाओं का, अपनी भावनाओं का त्याग नहीं कर पाता। इसीलिए आचार्यों ने कहा है कि जैसे मान लो देवों में भोजन रोज नहीं करते, जितने सागर की आयु है इतने 1000 वर्ष में एक बार कंठ से अमृत झरता है, लेकिन नियम नहीं ले सकते। क्यों? पता नहीं कब इच्छा हो जाए, कब अमृत झर जाए, दोष लगेगा। उनके जीवन का कोई पता नहीं है कि कब सही उनके भीतर में कंठ से अमृत झर जाए, पूजन करते करते ही झर जाए। आ गया समय, इच्छा हुई और कंठ से अमृत झर गया। इसलिए उनके संयम भाव नहीं होता। 1 से 4 ही गुणस्थान होते हैं। कितनी दुर्लभता से आपको यह मनुष्य जीवन मिला है, सोचो, विचार करो। जब तीर्थंकर भगवान का तप कल्याणक होता है, दीक्षा कल्याणक होता है, उस समय पर मनुष्य जो राजा चक्रवर्ती आदि हैं वो आते हैं और उनके पहले से डेरा जमा करके बैठ जाते हैं इंद्र देवतागण कि हम पहले पालकी उठाएंगे। अरे तुम कैसे उठा सकते हो? मनुष्य ने कहा नहीं, हम ही उठाएंगे क्योंकि हमारा अधिकार है। सुनो, जब तीर्थंकर का जन्म भी नहीं हुआ था, वो गर्भ में आए थे, उसके 6 महीने पहले से रत्नवृष्टि तुमने की थी क्या हमने की थी? ये बताओ, किसने की थी? देवों ने की थी। हाँ, तो देव कहते हैं तुमने की थी क्या रत्नवृष्टि? हमने की थी। और पंच कल्याणकों में सारे उत्सव ठाट फाट से किसने किए थे? हम ही लोगों ने किए थे। असंख्यात देव हम आए और हमने पंच कल्याणक उत्सव मनाए। और तो और सुनो, तीर्थंकरों के वस्त्र अलंकार सब स्वर्ग से आए हैं। और भी सुनो, ये जो पालकी आई है ना वो भी स्वर्ग से आई है। इसलिए पहले पालकी उठाने का अधिकार भी हमारा है। मैनेजमेंट सारा हम करें और तुम आकर के समय पर फायदा तुम उठा लो, ऐसा नहीं हो सकता। बहस हो गई दोनों की आपस में, देवताओं की और मनुष्य की। होता है ना कि हम सारी व्यवस्था करते और मंचमाला तुम्हें मिल जाए, भैया ये बात तो ठीक नहीं है। विवाद तो हो ही जाता है ना, ये बात तो ठीक नहीं है। तब बात रखी गई कि अगर तुम संयम को धारण कर सकते हो, इतनी क्षमता तुम्हारे पास में है, तो आप पालकी उठा लो। नियम यही है, भगवान ने कहा है, भगवान की पालकी उठाना। और भगवान ने ये कहा है तो आपको भगवान की बात तो माननी होगी ना। अगर तुम संयम को धारण कर सकते हो तो तुम पालकी को उठाओ। बेचारे चुपचाप एक एक करके पीछे चले गए। और सौधर्मेंद्र का मुख इतना सा हो गया। पहली बार इतनी पीड़ा का अनुभव हुआ कि मुझे वह नर भव कब मिलेगा और मैं भगवान की पालकी पहले उठाऊंगा। और आपको नर भव मिला तो अपने आप को जानने का समय नहीं है, संयम पाने के लिए कोई विचार नहीं है। सोच लो, अब आज से तय कर लो, अपने को जाने बिन लेंगे ना तम, आगे ही आगे बढ़ाएंगे कदम। बोलो, बहुत अच्छी बात है। आज से तय कर लो, अपने को जाने बिन लेंगे ना दम, आगे ही आगे बढ़ाएंगे कदम। संयम को पाकर हम भवतिर जाएंगे, संयम को पाकर हम भवतिर जाएंगे, शाश्वत सुख अनुभव कर फिर ना आएंगे, अपने को जाने बिन लेंगे ना दम, आगे ही आगे बढ़ाएंगे कदम। तय कर लो आज से। ये शब्द नहीं है, भीतर में आवाज गुंजायमान करो कि अब हम दम लेने वाले नहीं हैं। अब हमें पता चल गया कि हमारा लक्ष्य क्या है, गंतव्य क्या है, क्या मंतव्य हमारा और क्या कर्तव्य है हमारा। बेईमानी मत करना, बिल्कुल बेईमानी नहीं होना चाहिए। अगर बेईमानी करोगे, धोखा दोगे तो अपने आप को धोखा दोगे। एक समय की घटना बता रही हूँ, हकीकत की घटना है। लगभग 40 साल हो गए, हम ब्रह्मचारिणी अवस्था में थे और इंदौर के पास में एक गांव है, नाम नहीं बताएंगे क्योंकि खोज तो आप लोग बहुत जल्दी कर लेते हैं फिर। हाँ, और उस गांव में हम गए थे ब्रह्मचारिणी अवस्था में। यहीं इंदौर में जब शास्त्री कर रहे थे उस वक्त हम गए थे पास के गांव में 10 दिन पर्युषण में प्रवचन के लिए। तो क्या हुआ, वहाँ पर एक दादाजी थे 80 साल के, उनके नाती पोते पकड़ करके हमारे पास में लाए। तो हमने उनसे चर्चा की, वो किसी के हाथ ही में नहीं आते थे, वो तो पकड़ करके ले आए उस दिन। और उन्होंने धीरे से हमें बता दिया था, माता जी ये रोज रात को रसगुल्ले खाते हैं, आप इनको समझाओ, हम नाती पोते नहीं खाते रात को और ये रसगुल्ले खाते हैं, आप इनको समझा दो, बहुत अच्छा होगा, अब इनकी ज़िंदगी बिल्कुल कगार पर है। हाँ, तो हमने उनसे बहुत सारी चर्चाएँ की। चर्चा करने में तो बहुत होशियार थे वो। हाँ, 1 घंटा हो गया और जाने लगे, दीदी अब हम जा रहे। मैंने कहा, दादा आप खाली ऐसे ही चले जाओगे क्या, कुछ तो नियम करके जाओ, कुछ तो संयम लेकर के जाओ। तो मैंने उनसे कहा कि आप कुछ ऐसा गलत करते हो तो वो संयम संकल्प कर लो। मैंने कहा कि आप रात को भी कुछ खाते हो ना। ओह हाँ, वो तो मैं क्या करता हूँ, खाता हूँ, लेकिन मन नहीं होता मेरा। वो क्या है, खाना पड़ता है, शरीर के लिए देना पड़ता ही है इतना। अच्छा, तो मैंने कहा कि वो त्याग कर दो, इसके बिना चल सकता है, नहीं तो एक दिन तो छूटेगा ही, देह भी छूट जाएगा जिसको खिला रहे हो। बहुत विचार करके बड़ी मुश्किल से बेमन से मैंने कहा, कितना खाते हो? बोले 250 ग्राम रोज खाता हूँ, नियम से 250 ग्राम खाता हूँ। तो मैंने कहा त्याग करके जाओ। बड़ी मुश्किल से सबका हाथ छुड़ाया और अंत में वहाँ दूर जा करके कहते, ठीक है बहन जी, आपने इतना समझाया, समय दिया है, तो 250 का 200 ग्राम कर दूंगा। कितना मुश्किल है, सोचो आप, 250 से 200 ग्राम करने में पसीना टपक गया। क्या होगा इन बेचारों का। एक वे है छोटे से बालक विद्याधर, 15 अगस्त को ध्वजारोहण करने के लिए स्कूल में पहुंचे हैं और गांठ खुल नहीं पाई, ध्वजा फहराया नहीं गया। उसी वक्त बैठे बैठे मन में बेचैनी आई और मन ने अपने आप को सावधान करके विवेक से जागृत करके संकल्प ले लिया। और क्या विचार किया कि देखो, असंयम की गांठ नहीं खुलेगी तो संयम की ध्वजा फहराने वाली नहीं है, और संयम की ध्वजा नहीं फहराई तो आनंद की पुष्पवृष्टि होने वाली नहीं है। मैं तो संकल्प करता हूं, मुझे संयम के मार्ग पर चलना ही चलना है, चाहे कुछ हो जाए, मुझे संयम के मार्ग पर चलना है। धन्य है प्रभु, धन्य है। छोटी छोटी सी बातों पे ऐसे निमित्त मिले और संकल्प ले लेते हैं, तुम्हारे जीवन में इतने बड़े बड़ी घटनाएं घट जाती हैं, दुर्घटनाएं घट जाती हैं। शरीर बिल्कुल मृत्यु के निकट है, इसके बावजूद भी भाव नहीं आते कि हम संयम को धारण करें, अंगीकार करें। अगर मगर किंतु न जाने कितना 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 बहाना करता रहता है और एक दिन मौत आती है, उठा करके ले जाती है, पर्याय विनाश जाती है। इसीलिए अपने को भूलो मत, इस जीवन में जो करने के लिए आए हो उस कार्य को करके जाओ, वरना पछताना पड़ेगा। आचार्य जी ने एक बार ये सुनाया था कि काजू की खीर बनाई, लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा जो शक्कर थी, बुरा था, उसमें कहीं पर हींग की सुगंध आ रही थी। अब उसने तो डाल दी, क्योंकि बुरा जो था वो हींग की डिब्बी में रखा हुआ था और डाल दिया उसके अंदर। अब उसके अंदर खाए तो बदबू आए, कोई खाने को तैयार नहीं, तेज हींग की बदबू आए। खीर में हींग की बदबू आए तो बदबू ही मानी जाती है ना, सब्जी में ही वो ठीक रहती है, खीर में नहीं। तब आचार्य जी ने कहा था, अपने को भूल आप तू हैरान हो गया, सुख की चाह में सुख से बहुत दूर हो गया। नहीं डाली संयम की शक्कर सही सही उस काजू की खीर में, इसीलिए तो भटक रहा है चौरासी की भीड़ में, इसीलिए तो भटक रहा है चौरासी की भीड़ में। क्या करें माता जी, हम तो संयम लेना चाहते हैं, लेकिन बंधन है ना, वो बंधन ठीक नहीं है। हे भव्य जीवों, बंधन तो तुम्हें बहुत अच्छा लगता है, शहनाइयाँ बजा बजा करके, गीत गा गा करके, हाथ को पीले कर कर करके, लोगों को भोजन करा करा करके बंधन में बनते हो कि नहीं? वो पंडित बोलता रहता है, ऐसा करोगे भीगी बिल्ली हाँ, फिर वो पूछता एक चक्कर, ऐसा करोगे हाँ, 7 बार हाव बोल जाते हो, उसमें बंधन नहीं लगता। कैसी भी हो, कैसा भी हो, जिंदगी भर। अब क्या करें माता जी, आप पहले तो आए नहीं इंदौर में, पहले आ जाते तो इस बंधन में बिल्कुल नहीं पड़ते। अब क्या करें, अब गाड़ी को खींच रहे, खटारा है जिंदगी, खींचना पड़ रही है, मजबूरी है। और तुम्हारा बच्चा घर से निकलना चाहता है आचार्य जी के चरणों में, नहीं नहीं ऐसे कैसे निकलेगा, इसका मतलब क्या है? बेटे को समझाते हैं, जरा सोच लो समझ लो बेटा, ये संयम जो मेरो का भार है, यों कठिन व्रतों का पालना बच्चों का नहीं खिलवाड़ है। हाँ, एक बच्चों का खिलौना नहीं है, कई मील पैदल चलना, उपवास आदि करना, केशलोच करना, कहीं पैर में छाले होंगे, कहीं पैर छिल जाएंगे, यह व्रत तो बड़ा ही कठिन है, कहो आत्मा तुम्हारी तैयार है, यो कठिन व्रतों का पालना बच्चों का नहीं खिलवाड़ है। ऐसे समझा फुसला करके तैयार कर देते हैं, मामा बुआ सब आ जाते हैं, बहुत कठिन है, ऐसा है वैसा है, और चुपचाप उसको पकड़ करके बंधनों में अपने जैसा बांध देते हैं। बच्चों से संस्कार दो, संयम के, तप के, त्याग के। जैन दर्शन को प्राप्त किया है, जैन धर्म को प्राप्त किया है तुमने, बहुत सौभाग्य से, सौभाग्य से यह कुल मिलता है। और इसी कुल में ऐसे नर भव में ही संयम को अंगीकार किया जा सकता है, और कोई ऐसा भव नहीं है जहाँ पर संयम को अंगीकार करो। नरकों में है नहीं संयम, देवों में है नहीं, तिर्यंचों में कदाचित कथनचित चला भी गया तो 5वें गुण स्थान तक, लेकिन संयम मार्गणा तो शुरू नहीं हो पाती है। सामायिक छेद उपस्थापना परिहार शुद्धि सूक्ष्म सांप्राय यथाख्यात चारित्र रूप जो संयम है उसको ग्रहण नहीं कर पाता, वो तो मात्र मनुष्य ही भाव में है। ऐसा अनमोल रत्न तूने प्राप्त किया है और उसको क्या कर रहा है? प्रभाते कर दर्शनम होना चाहिए था, तो प्रभाते ही कप दर्शनम करता है, कप चाहिए, चाय का कप। इसके पहले तो वो उठता ही नहीं, नीचे पैर ही नहीं रखता। बेटी चाहिए, बेटी। गंदी चाय, बेड यानी बुरा भी हो सकता है। हाँ, बुरी बुरी चाय, बुरी चाय है, यही खतरनाक है। तो अपने जीवन को संतुलित करना है और करने वाला कोई और नहीं है, हम ही खुद हैं। बंधन आपको रुचना चाहिए, बिना बंधन के मुक्ति असंभव है। आचार्य जी ने मूक माटी में लिखा, वो पंक्तियाँ याद आ रही हैं। जब चौथे खंड में मटके को बांध करके कमर में सेठ जी परिवार सहित उस नदी से पार होते हैं, तब कोई अपने कमर में रस्सी बांधना नहीं चाहता। तो वह कहती है कि देखो, बंधन हमें भी अच्छा नहीं लगता, किसको बंधन अच्छा लगेगा, लेकिन पार होने के लिए बंधन को स्वीकार करना जरूरी है। गुरु की आज्ञा का बंधन, नियम संयम संकल्प का बंधन बहुत जरूरी है। यहाँ बंधन रुचता किसे? मुझे भी प्रिय है स्वतंत्रता, तभी तो किसी के बंधन में बंधना नहीं चाहता मैं। वो घट कहता है, तभी तो किसी के बंधन में बंधना नहीं चाहता मैं, ना ही किसी को बांधना चाहता हूँ। बांधना भी तो बंधन है। हाँ, कैदी इतना बंधन में नहीं जितना कि जेलर होता है बंधन में। कोई बंधन में रहना पसंद नहीं करता। जल भी चाहता है कि मुझे कोई ना बांधे, जल चाहता है मुझे कोई न बांधे, अन्न चाहता है मुझे कोई न रांधे, पवन चाहता है मुझे कोई न रोके, और मन चाहता है कि मुझे कोई न टोके। मुझे कोई टोके, बंधन स्वीकार नहीं है। पर ध्यान रखो, जल प्रकाश देता है, बंध कर। जल को बांधोगे कि नहीं तो प्रकाश मिलने वाला नहीं है। जल प्रकाश देता है, बंद कर, और अन्न स्वाद देता है, रंध कर। जब रांधा जाता है, पकाया जाता है, तभी वह स्वाद देता है। पवन तारता है, रुक कर, और मन उबारता है, झुक कर। मन जितना झुकेगा, अनुशासन में रहेगा, गुरु की आज्ञा में रहेगा, उतना ही वह उबरता चला जाएगा, संसार से पार होता चला जाएगा। लेकिन व्यक्ति आलसी होता जा रहा है, अपने आलस की कोई सीमा नहीं है। नियम संकल्प लेकर के उसको तोड़ देता है, उसे चिंता ही नहीं है कि क्या होने वाला है। ध्यान रख भाई, अगर नियम लिया है तूने और तोड़ रहा है, महामंत्र का संकल्प करके तूने नियम लिया है और तू तोड़ रहा है, तो उसको खंडित करने का दोष लगेगा, मंदिर तोड़ने का दोष लगेगा। इसलिए सावधान रहे, प्रतिज्ञा नहीं लेना ये भी ठीक नहीं है। प्रतिज्ञा तो लेना चाहिए, शक्ति के अनुसार ही लेना चाहिए, जितनी शक्ति है उतनी प्रतिज्ञा लो, लेकिन प्रतिज्ञा लेकर के तोड़ना बिल्कुल अच्छा नहीं है। और तुम प्रतिज्ञा ले सकते हो, इस मनुष्य जीवन में आए हो, आलसी मत बनो। जीवन यूं ही गुजार रहे हैं, बेटे देख रहे हैं, लड़के देख रहे हैं, पिता कमा रहा है इस उम्र में भी, लेकिन बेटे मौज उड़ा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, पैसे बर्बाद कर रहे हैं। बाप समझता है मेरा बेटा पढ़ रहा है, और वहाँ पर वहाँ मौज मस्ती में पैसा उड़ा रहा है। एक बार हुआ था इंटरव्यू, कुछ पशुओं के साथ में मनुष्य का भी इंटरव्यू हुआ। ध्यान से सुनिएगा। इंटरव्यू में पूछा गया कि तुम्हारी डिग्री क्या है। जब भैंस के बच्चे से पूछा कि तुम्हारी डिग्री क्या है, क्या उपाधि है तुम्हारी, उसने कहा साहब हमारी डिग्री है SBM। SBM का क्या मतलब होता है, बताओ ना क्या मतलब होता है, आपने कभी इस डिग्री का नाम सुना, क्या सुना ही नहीं होगा। तो पशुओं की डिग्री थी, साहब इसका मतलब होता है सींग के बल पर मौज मस्ती, SBM। अच्छा अच्छा ठीक है, बैठ जाओ। हाथी के बच्चे से पूछा तुम्हारी क्या डिग्री है, उसने कहा साहब हमारी डिग्री है DBM, दांत के बल पर मौज मस्ती। अब शेर के बच्चे से पूछा तुम्हारी क्या डिग्री है, उसने कहा साहब हमारी डिग्री PBM की है, मतलब पंजे के बल पर मौज मस्ती। जब मनुष्य के बच्चे की बात आई, उससे पूछा कि तुम्हारी क्या डिग्री है, साहब हमारी डिग्री तो BPM है, मतलब बाप के पैसे पर मौज मस्ती। ये कर रहा है और आप लोग तालियां बजा रहे हैं। बस यही तो दुख की बात है, समझने की बात है। आज पशु जानवर होकर के भी वो जानवर है, ज्ञान में उत्तम है, लेकिन मनुष्य ने अपनी मनुष्यता खो दी है। पशु ने अपनी पशुता को सलामत रखा है, देवों ने अपने देवत्व को सलामत रखा है, लेकिन मनुष्य अपनी मनुष्यता को भूल बैठा है। तभी तो एक बार हुआ ऐसा, सिंह ने सब पशुओं को भेजा था कि जाओ आज मनुष्य की नगरियों में घूम करके आओ, कुछ सीख करके आओ, पशु हो तुम, थोड़ा सीख करके आओ। लेकिन दिन भर का समय दिया था, सारे के सारे पशु एक घंटे के पहले ही आ गए, एक घंटे के पहले ही आ गए। तो शेर को बड़ा ताज्जुब हुआ, उसने कहा कि अरे ये क्या हो गया, सबके सब चले आ रहे हो, क्या हो गया? गिरगिट से पूछा कि इतने जल्दी क्यों आ गए? उसने कहा साहब क्या बताऊं, मनुष्य इतना तीव्र गति से रंग बदलता है, मैं तो कभी कभी ही बदलता हूँ, लेकिन वो तो इतना जल्दी जल्दी, दुकान में कुछ, मंदिर में कुछ, नौकर के सामने कुछ, बाप के सामने कुछ, पत्नी के सामने कुछ, और औरत के सामने कुछ। कुछ मत पूछो, हमें तो नहीं देखना उनका, ये रंग देखा नहीं जाता। भैंस से पूछा कि तुम इतनी जल्दी क्यों आ गई? क्या बताऊं साहब, मैं तो कीचड़ में ही लौटती हूँ ना, लेकिन मनुष्य वासनाओं के कीचड़ में लौट रहा है, मुझसे तो देखा नहीं गया, मैं तो आ गई वापस। सांप से पूछा कि तुम क्यों आ गए? मैं तो सीधा दंश मारता हूँ, सीधा ही काटता हूँ, किसी को काटने और बिना वेर के काटता भी नहीं हूँ, लेकिन मनुष्य ऐसी धीरे धीरे फूंक मार करके, धीरे धीरे मीठे मीठे तरीके से ऐसे सर्प जैसा भयंकर दंश मारता है कि मैं तो देख करके घबरा गया। गाय से पूछा कि तुम क्यों आ गई? मैं तो साहब घास ही खाती हूँ, लेकिन वहाँ तो मांस खा रहा है, हाँ देखा नहीं जाता मुझसे, मैं तो आ गई। मंदिर से पूछा तुम क्यों आ गए फुदकते हुए? साहब मैं तो सिर्फ पानी पीता हूँ, लेकिन वहाँ के मनुष्य तो शराब पी रहे हैं। क्या बुरी हालत है, हम पशुओं से बदतर हो गए, और माँ बाप कहते हैं मेरा बेटा वाह कितना ऊंचा, कितने ओहदे पर, बड़े ओहदे पर पहुंच गया है। क्या पहुंच गया है? वो पशुओं से भी बदतर हो गया है, वो नरक जाने की तैयारी कर रहा है। वो माँ बाप उसके माँ बाप नहीं, उसके दुश्मन है, दुश्मन जो अपने बच्चों को सही राह नहीं दिखाते हैं। आज संयम का दिन है और आपको विचार करना है कि आप क्या कर रहे हैं। समय यूं ही गुजरता चला जा रहा है। आत्मवैभव के उद्घाटन में कुछ तो करो, 10 धर्मों को आमंत्रण दो, ज्ञान की कुमकुम पत्रिका छपाओ और संयम सुंदरी का सौभाग्य तिलक लगाओ। ये अवसर आया है जैन कुल में, परमानंद का उत्सव बनाओ। आज के दिन विशेष एक कथा प्रचलित है हमारे यहाँ पर। कहते हैं कि सेठ की पुत्री मनोरमा ने अपने रूप स्वरूप के घमंड में आकर के मुनिराज की, सुगुप्त मुनि की निंदा की, और यही नहीं, निंदा से उसका मन तृप्त नहीं हुआ। मुनिराज आहार चर्या में थे और उसके ऊपर से मुनिराज के ऊपर पान की पीक थूक दी। उस वक्त उसने ऐसा निधत्य निकाचित कर्म मान लिया कि मरते ही वह गधी बन गई, सारा रूप खत्म। गधी के बाद में कुत्ती बनी, कुत्ती के बाद में सूकरी बनी, ऐसे कई योनियों में भटकती भटकती अंत में वह रानी की पुत्री बनी दुर्गंधा। शरीर से भयानक दुर्गंध आने लगी। रानी की पुत्री है, राजकुमारी है, लेकिन ऐसी शरीर से दुर्गंध आती है, कोई पास में बैठ नहीं सकता। अलग से उसको स्थान पर रखा गया है। वहां पर मुनीश्वर पधारे, एक बार उसको दर्शन कराने के लिए ले गए, दूर बिठाया। मुनिराज ने पूछा, बड़े ज्ञानी थे, जान लिया उन्होंने और कहा इसने पूर्व भव में मुनियों की बहुत अवहेलना की है। ज्ञानी जनों की अवहेलना करने से पाप धुलता नहीं है, निधत्य निकाचित कर्म बन जाता है। इसलिए मुख से कभी भी ऐसे गलत निंदा के शब्द मत कहो, ऐसी कुचेष्टाएं मत करो, मन में दुर्विचार भी मत करो, वचनों में मत कहो। बस क्या करूं महाराज, आप बताइए, कोई उपाय बताइए। तो मुनीश्वर कहते हैं कि सुगंध दशमी व्रत करो, शीतलनाथ भगवान की पूजा करो, और पर्वराज पर्युषण में दशमी के दिन यह व्रत किया जाता है, 10 साल तक करो। बड़े भाव सहित उस राजकुमारी ने व्रतों को अंगीकार किया और मरण करके 10वें स्वर्ग में वह देवी बन जाती है, देवी बन गई। फिर इसके बाद में भरत क्षेत्र में राजा महिपाल की मदनावती पुत्री हुई, पुरुषोत्तम राजा के साथ में उसका विवाह हुआ, लेकिन जीवन भर तक वह धर्म आराधना करते 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 वह अंत में आर्यिका बन जाती है और उसके स्वामी मुनि बन जाते हैं। दोनों ही 16वें स्वर्ग में चले जाते हैं और वहाँ से आकर के कनक केतु राजपुत्र बने और इसके बाद में बन करके मुनि होकर के मोक्ष चले जाएंगे। एक व्रत को करने का ये फल है। भक्ति श्रद्धा से थोड़ा सा भी संयम का पालन किया तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में बहुत बड़ा उत्थान हो जाएगा। इसीलिए आचार्य भगवान कहते हैं कुछ ना बने तो जो तीर्थंकर भगवंतों ने किया वो ही करना शुरू करो। भई तीर्थंकर से बलि नक्की नहीं चली, चली क्या यम के आगे, तो यम को अगर मिटाना है तो संयम को धारण करो। जब तीर्थंकरों की भी यम के सामने नहीं चली, वो भी चले गए, उनके भी शरीर दूर हो गए, मिट गए, इसलिए तुमको तो डरना ही है। भय तीर्थंकर से बलि तिनकी नहीं चली, रे मौत नहीं टली तो अब क्या करिए, जिस पंथ चले भगवंत वही आचरिए। वाह, बहुत अच्छी 12 भावना है। ये पूरी सुना सकती हूँ लेकिन अभी समय नहीं है। इतनी अद्भुत है कि एक एक पंक्ति पर आप बिल्कुल रोम रोम खिल जाएगा आपका। कितनी अच्छी बात कही है। समय का बंधन रहता है मेरे पास में, नहीं तो मैं तो ये चर्चाएं गुरुदेव की सिखाई हुई है मैं घंटों करती रहूं, मुझे इसमें बहुत आनंद आता है। लेकिन मुझे पता है कि आप लोग एक दिन सुन लेंगे, दूसरे दिन नहीं आएंगे। भय तीर्थंकर से बलि तिनकी नहीं चली, रे मौत नहीं टली तो अब क्या करिए, जिस पंथ चले भगवंत वही आचरिए, सब तज कर वस्त्राभरण धर्म की शरण। आहा क्या बात कही, सब तज कर वस्त्राभरण धर्म की शरण, संयम की शरण में चल देते हैं। आप लोग भूल तो नहीं गए ना, वो मुनिराज पधारे थे नगर में, याद है ना आप लोगों को? हाँ, और सब लोग हाथ में थाली लेकर के चले जा रहे थे, ठीक है। एक व्यक्ति नगर का और था, यमपाल नाम था उसका, यमपाल। हाँ, वो जाति से निम्न कुल में पैदा हुआ था, लेकिन उसे भी गुरु महाराज के दर्शन की तीव्र भावना हुई और वह भी मुनिराज की शरण में चला जाता है। जाता है, जब सब लोग चले जाते बड़े बड़े राजे महाराजे, इसके बाद में जाकर के गुरु महाराज का दर्शन करता है और गुरु महाराज उसको क्या संबोधन देते हैं वो हम आज नहीं बताने वाले। कल तप का दिन है, बहुत अच्छी घटना घटने वाली है। कल हम बताएंगे आपको उत्तम तप के दिन कि वह अपने जीवन को किस तरह से आगे बढ़ाता है, किस तरह से वह अपने जीवन को पवित्र करता है और वह आगे आगे बढ़ाते हुए एक दिन वह मोक्ष पथिक बन जाता है। हमारा जैन दर्शन कहता है कि यहाँ पर जाति पाति से कोई प्रयोजन नहीं है। जैन धर्म जन जन का धर्म है, ये 10 धर्म समूचे देश का धर्म है। इसीलिए तुम इस जैन धर्म को अपनी बपोती मत मानना, अगर इस पर अमल कर रहे हो तो तुम्हारा धर्म है, जो माने उसका जैन धर्म है। इसलिए मानवपन के इस हीरे को अब आपको यूं ही गंवाना नहीं है। आचार्य देव कहते हैं, मानवपन के हीरे को नर कांच समझ ठुकरावे। क्या क्या समझ करके कांच है, जीवन बीत रहा है, बर्थडे आ रही है, खूब खुशियां मनाओ, खाओ पियो। ये क्या है? ये जन्मदिन की खुशी है कि गम है? उस दिन तो एक संकल्प लो कि आज से 1 वर्ष तक कम से कम मैं ये नहीं करूँगा। एक एक बुराई को छांटो, निकालो, तब तो तुम्हारे जन्मदिन की सार्थकता है। मानवपन के हीरे को नर कांच समझ ठुकरावे, संयम पुष्प बिना जीवन तरु कैसे शोभा पावे, जाने की वेला में प्राणी हाहाकार मचावे, जन्म तिथि ही पुण्य तिथि बन मरघट में पहुँचावे। वही तेरी जन्मतिथि कब पुण्यतिथि बन जाएगी कोई भरोसा नहीं है। तो मरघट तक जाए इसके पहले निज घट में अपने परमात्मा का दर्शन कर ले चेतन। जब तू अपने आप का दर्शन कर लेगा, अपनी संकल्प शक्ति को जगा लेगा तो समझ लेना तेरा नर जीवन सार्थक हो गया। वरना हर व्यक्ति जीवन भर तक के किए हुए पापों को जब अंत समय आता है तो जरूर पछताता है, अपने आप में पछतावा शेष न रह जाए। इसीलिए 3 सूत्र याद रखिएगा। पहली, अपनी संकल्प शक्ति जगाएं। दूसरा, भूतकाल के विकल्प हटाएं। तीसरा, भविष्य की फ्यूचर की आकांक्षाओं को मिटाएं, वर्तमान में जीने का पूरा प्रयास करें और अच्छे से अच्छा जीवन बिताएं। संयमित, संतुलित, जिस तरह से गाड़ी होती है ना, वो चलती है तो दोनों ब्रेक होना हाथ में ज़रूरी है। साइकिल के 2 हैंडल होते हैं, हैंडल बिल्कुल व्यवस्थित अपने हाथों में पकड़े हुए होंगे तो गिरोगे नहीं। उसी प्रकार से प्राणी संयम और इंद्रिय संयम, ये 2 हैंडल को पकड़े रखना, तभी पतंग उड़ पाती है। जब दोनों ओर से डोर सही बंधी हो। पतंग उड़ाई है ना आप लोगों ने, दोनों ओर से डोर बांधते हैं, प्राणी संयम और इंद्रिय संयम। फिर उसको एक डोर से बांध देते हैं, इसको आत्मा के साथ में जोड़ देते हैं। फिर तो वह ऐसे ही नहीं उड़ते, फिर उड़नची देनी पड़ती है। कोई तो होना चाहिए जो उड़नची दे दे, कोई ऐसा सदगुरु होना चाहिए जो हमारी पतंग को हवाएं दे दे सही दिशा की ओर। वो उड़नची देने वाला इतना बहुत कुशल होता है, वो कहता है नहीं यहाँ से नहीं, इधर मुड़ो, यहाँ हवा आ रही है, इधर से उड़नची अच्छी होगी, और फिर वह उड़नची देता है। खाली ऐसे ही धागे को नहीं उड़ाया जाता, उसके ऊपर कांच का मज्जा किया जाता है, नहीं तो कटी पतंग हो जाएगा। मजबूत रस्सी होना चाहिए, संकल्प शक्ति दृढ़ होना चाहिए, तो आज नहीं तो कल निश्चित रूप से वह विराट परमात्मा के सिद्धालय के उस गगन में, अनंत गगन में विचरण करेगा, अपने आप में रम जाएगा। ज्ञान कला जिनकी के घट जागी, वे जग माही सहज वैरागी। जिनके भीतर में ऐसी ज्ञान कला जाग जाए, संयम का पतंग उड़ जाए, समझ लेना जीवन सार्थक हो गया है।